Hello children, good morning. I am Nirmala ma'am. Today I will teach you Moral Science Chapter 3 which is about it right. ये chapter मैं आप लोग को पहले पढ़ा चुकी हूँ, फिर मैं इसका आज आप लोग को revision करवा रही हूँ। ये chapter है it right के बारे में, सही खाना के बारे में है। Fast food like pizza, burger, noodle and sandwiches taste good but they are not good for health. फास्ट फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल, सैंडविच, ये सब जो भोजन हैं ये खाने में तो बहुत टेस्टी होते हैं लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। वी शुड नॉट ईट देम रेगुलरली, हमें इसे रेगुलरली नियमित रूप से नहीं खाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईट अ बैलेंस डाइट, हमें हमेशा बैलेंस डाइट खाना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। अ बैलेंस डाइट कंटेन ऑल फूड आइटम्स इन राइट अमाउंट एट आवर बॉडी नीड्स। बैलेंस डाइट में सभी फूड आइटम सही मात्रा में मिले होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ाया, फिर से बता रही हूँ, इसलिए आप लोग फास्ट फूड ज़्यादा ना खा करके बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें। फास्ट फूड नियमित रूप से रेगुलरली या डेली नहीं लेना चाहिए, जैसा कि इस कहानी के बारे में आप बता करके आपको इसके बारे में बताया गया है, जो कि एक लड़की है बबली जो पिज़्ज़ा बर्गर खाना बहुत पसंद करती थी। एक दिन उसने सपने में देखा कि उसने बर्गर खाया है और उसके टम्मी में दर्द स्टार्ट हो गया है और उसका जो बेली है बहुत ही मोटा हो गया है, बहुत ही वो बदसूरत हो गई है। उसके बाद से उसने डिसाइड किया कि वो अब फास्ट फूड नहीं खाएगी और वो बैलेंस डाइट खाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को भी, आपको भी बबली की तरह फास्ट फूड को इग्नोर करना चाहिए, पिज़्ज़ा बर्गर पर डे नहीं खाना चाहिए। अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर दिखा रही हूँ, टिक द करेक्ट आंसर। व्हिच वाज बबली फेवरेट फूड, आंसर होगा बर्गर। ऑप्शन ए एग, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी बर्गर। तो आंसर आपका है ऑप्शन सी। टू में है व्हिच फूड आइटम्स डिड बबली सी इन अ ड्रीम, कौन सा फूड आइटम बबली ने ड्रीम में देखा था, तो वो है बर्गर। ऑप्शन ए बर्गर, बी पिज्जा, सी सैंडविच। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन ए बर्गर। थर्ड में है हु वाज बबलीज फ्रेंड, बबली की दोस्त कौन है, कौन थी। ए ऑप्शन ए सीता, बी मेरी, सी लता। तो आंसर है ऑप्शन सी लता। ये आपको मैं रिवीजन करवा रही हूँ, आप इसे याद करेंगे। यह कंप्लीट द नेम्स ऑफ दिस फूड आइटम्स देन राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स। ये है मिल्क, एप्पल, हनी, ग्रेप्स, एग, मैंगो। इसको सही कॉलम में लिखना है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, इसमें से जो 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 फूड प्लांट्स हमें मिलते हैं उसे कॉलम इसमें लिखना है, इस कॉलम में लिखना है, और जो हमें एनिमल से मिलते हैं उसे इस कॉलम में लिखना है। तो फूड फ्रॉम प्लांट्स के नीचे हम वन में लिखेंगे एप्पल, टू में ग्रेप्स और थ्री में मैंगो। फूड फ्रॉम एनिमल्स, वन मिल्क, टू हनी और थ्री एग। तो आप इसे याद करेंगे।